इसलिए संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम, रागी जो सुनाए रागनी रोगी को मेरा राम। संगीत वह शक्ति है, वह औषधि है जिससे हर व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। 12 दिसंबर को महावीरी विद्यालय के सचिव सुनील कुमार शुक्ल एवं कोषाध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा के प्रेरक उपस्थिति में विद्यालय के दो सेवानिवृत्त आचार्यों की विदाई के रूप में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संगीताचार्य रामानुज मिश्र और जीव विज्ञान के आचार्य बिंदु शेखर सिंह के कार्यकाल और विद्यालय में दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला गया। दोनों आचार्यों ने भी सबका आभार प्रकट किया और विद्यालय के लिए सदा समर्पित रहने की बात कही। कार्यक्रम का मंच संचालन संतोष सिंह के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में बालिका विद्या मंदिर के प्राचार्य अरुण मंडल, एच एन शाह, नवनीत कुमार, प्रकाश वर्मा, मनोज पाठक, प्रवीण चंद्र, डॉक्टर आशुतोष कुमार, उप प्राचार्य मंगलदेव राय, अखिलेश श्रीवास्तव आदि शिक्षक शामिल थे। यहाँ पर मैंने जो भी समय बिताया, मैंने अपने आप को एक संस्था के रूप में जीने का प्रयास किया है, और किसी भी व्यक्ति के लिए संस्था ही महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति के रूप में किसी भी व्यक्ति की पहचान तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि वो संस्था के साथ न जुड़े। वही एक ऐसा स्थान है जहाँ से उसमें निखार आता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मेरा शुभ नाम हुआ भीमशेखर प्रसाद सिंह और उपनाम है अरुण। यह तो अभिनंदन समारोह है, समिति द्वारा किया जा रहा है विद्यालय के द्वारा, लेकिन मैं यहाँ संगीताचार्य के रूप में जो कार्य किया हूँ उसका मुझे काफ़ी अनुभव है, और मैं विद्यालय तक ही नहीं पूरे सिवान जिला में हर संस्थाओं में इसका स्वरूप मैं दे रहा हूँ। अभी जो विद्याभारती की जो योजना है, विद्याभारती की योजना के तहत चूँकि केंद्रीय विषय है म्यूजिक संगीत, इसलिए मैं पूरे विद्याभारती की योजना को पूरे विद्यालयों में, शहर की जो अन्य विद्यालय हैं उनको भी मैं इसकी शिक्षा दे रहा हूँ, ताकि यह विद्याभारती का स्वरूप सब जगह दिखाई पड़े। इसलिए संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागनी रोगी को मेरा राम। संगीत वह शक्ति है, वह औषधि है जिससे हर व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। रामानुज में से संगीताचार्य ही तो हमारे दो आचार्य वरिष्ठ आचार्य थे, उसमें एक म्यूजिक के थे, दूसरे बायोलॉजी के थे। वे दोनों अवकाश लिए हैं, और अवकाश लेने पर हम विदाई इसको नहीं कहेंगे, सम्मान कार्यक्रम में शामिल हम लोग हुए हैं। दी सम्मान कार्यक्रम में ये दोनों हमारे विद्यालय के एसेट थे, और थोड़ा सा तकलीफ तो है, लेकिन शेक्सपियर की लाइन है कि मीटिंग्स एंड डिपार्चिंग्स आर द लॉज ऑफ द वर्ल्ड, मिलना बिछड़ना ये तो जीवन का लक्ष्य है, जीवन में चलते रहता है। इसलिए ये लोग विदाई समझे, सम्मान समझे किया जा रहा है, और क्या कहना है, थोड़ा तकलीफ तो होता है लेकिन क्या कह जा सकता है। सर, आज किस तरह का आयोजन किया गया? ये हमारे विद्यालय के दो शिक्षक, विज्ञान शिक्षक बिंदु शेखर जी और संगीताचार्य रामानुज जी, दोनों विद्यालय सेवा से अवकाश लिए हैं, उन्हीं के लिए विदाई और अभिनंदन समारोह विद्यालय प्रबंध कारिणी समिति की ओर से आयोजित किया गया। इन्हीं लोगों को धन्यवाद देना है, सेवा का जो इनका कार्यकाल रहा है बहुत सराहनीय रहा है, और इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रबंध समिति की ओर से। अभी के समय में इस तरह की विदाई समारोह का क्या लगता है, कितना महत्वपूर्ण होता है विदाई का समारोह? देखिए, काल तो कोरोना का है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके यह भी अवसर आवश्यक है, क्योंकि इतने समय के आलोक में सेवा से निवृत्त होने के बाद एक दुखद क्षण होता है, तो इसके निस्तारण की भी आवश्यकता होती है वियोग बांटने के लिए, इसलिए आयोजित किया गया है, और COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए इसे हम संपन्न कर रहे हैं। एक साथ बैठे हुए हैं, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। उजाले में यादों के साथ दिए जा, न जाने किस घड़ी में जिंदगी की सांस हो जाए, कोई आरज़ू नहीं है, कोई आरज़ू
कोई मुद्दा नहीं है, तेरी खुशी रहे सलामत, मेरे दिल में प्यार नहीं है, तेरी खुशी रहे सलामत। तू लाख छुपाए दामन मेरा फिर भी है ये दामन, तू लाख छुपाए दामन मेरा फिर भी है ये दामन, मेरे दिल में तू तू है, मेरे दिल में तू तू है, कोई दूसरा नहीं है, मेरे दिल में तू तू है। शुभकामना भी है आपके प्रति, आप जहां भी रहे खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। आप जहां भी जाए खूब मुस्कुराए, आप जहां भी जाए खूब मुस्कुराए, हंस रख हमारे दिल में, हंस रख हमारे दिल में, कोई दूसरा हसरत हमारे दिल में। और कुछ हो सकता है कुछ बातें ऐसी कह दी गई हो, इसलिए हम समझ आएंगे। तुझे कह दिया